डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। आज संडे है और संडे को मैं संडे स्पेशल एक वीडियो बनाता हूं जिसमें मैं आप लोगों की बातें करता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं। अभी मैंने थोड़ा दिन पहले ही साइंस क्लास 6 का वीडियो मैंने बनाना थोड़ा रोक दिया है, क्योंकि क्लास 5 का SST में 2-3 चैप्टर बाकी था, अब वो पूरी तरह कम्प्लीट हो गया है। अब मैं साइंस का 6 क्लास का साइंस हो गया और मैथ हो गया, इस पर मैं विशेष काम कर रहा हूँ और इसका वीडियो आप लोगों को ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा बीच बीच में आप लोगों को क्लास 4 इंग्लिश का हो गया और क्लास 5 में मैथ का 1-2 चैप्टर बचा हुआ है, उसका वीडियो बीच बीच में मैं दे दूंगा ताकि ये जल्दी से कंप्लीट हो जाए। लास्ट वीक जो वीडियो मैंने दिया था आप लोगों को, उसके अंत में एक टॉपिक छोड़ दिया था कि सब्सक्राइबर के सबसे बड़े फायदे की बात। तो यूट्यूब में सब्सक्राइबर को सबसे बड़ा फायदा क्या हो सकता है? पहला तो वो जिस यूट्यूबर का वीडियो सब्सक्राइब करता है तो उसमें उस तरह का उनके फायदे की वीडियो होता है, तभी वो सब्सक्राइब करता है, उसके काम का वीडियो होता है। पहला फायदा तो ये हो गया। और यूट्यूब में ये दो मेन पार्ट होता है, यूट्यूबर होता है और सब्सक्राइबर होता है। तो यूट्यूबर को क्या फायदा होता है ये तो लगभग सबको जानता है, सबको दिखता भी है, लेकिन सब्सक्राइबर को क्या फायदा होता है ये पता नहीं चलता है। इसमें सवाल ये भी उठता है कि एक यूट्यूबर कहाँ से पैदा होता है, कैसे पैदा होता है। तो सब्सक्राइबर को सबसे बड़ा क्या फायदा होता है, तो इससे ही जुड़ा हुआ है कि एक यूट्यूबर कहाँ से पैदा होता है। इन सारी बातों को ढूंढने के लिए मैं आपको ले चलता हूं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और यहाँ पे पता करते हैं कि इसका क्या जवाब होगा। मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पे। देखिए, यहाँ पे मैंने अपना यूट्यूब खोल लिया है, ये मेरा चैनल है। यहाँ पे लोगो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये मेरा चैनल है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, आप जब यूट्यूब चलाते हैं तो वैसे वीडियो ज़्यादा खुलते हैं जिसको आप ज़्यादा देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये वीडियो खुला हुआ है, एक स्टडी, इसका वीडियो मैं तो देखता ही हूँ इसका। और ये सब है, कई सारे वीडियो अभी भी मैं देखता हूँ। ये जेठालाल का तारक मेहता है, तो ये इसका ओरिजिनल नाम शैलेश है, शैलेश लोढ़ा। तो इसका भी कवि है ये, तो इसका कविता मैं कभी कभी देखता हूँ, इसलिए ये खुला हुआ है। तो मैं कितने चैनल इसमें सब्सक्राइब किया है, मैंने भी चैनल सब्सक्राइब किया है। तो इस चैनल में ये मेरा चैनल है, तो इस चैनल में मैं लाइक नहीं करता हूँ। तो क्यों लाइक नहीं करता हूँ, क्योंकि वो प्लेलिस्ट में आ जाता है, इसीलिए मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है लेकिन लाइक नहीं करता हूँ। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कितने सारे चैनल हैं जिसको मैंने अभी भी सब्सक्राइब करके रखा हुआ है। तो ये कोई चैनल है, न्यू चैनल है, इसलिए मैंने सब्सक्राइब कर लिया था। एक स्टडी, इसका भी वीडियो काफ़ी अच्छा आता है, मैथ्स का वीडियो आता है इसमें। और भीष्म इंटरनेशनल, मुकेश खन्ना, शक्तिमान, क्योंकि बचपन में हम लोग शक्तिमान देखना बहुत अच्छा लगता था इसलिए मैंने उनका चैनल सब्सक्राइब किया है। लक्की पांडे, आप तो इसको जानते ही होंगे, लक्की पांडे ये टेक्निकल वीडियो बनाते हैं, कभी कभी मैं इनका वीडियो देखता हूँ, कई बार देख लेता हूँ इसका जो है। उसके बाद ये एक चैनल है मैथ का, क्लास 9 का, तो इसको मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है, मैथ बाय स्वैब, ये हिंदी में बनाते हैं। इसके बाद यहाँ है वी मैक क्रिएटर्स, HD ट्यूटोरियल्स, प्रियंका आर्ट्स, उसके बाद इस तरह से कई चैनल है। इसके अलावा मेरे पास और भी आईडी है, तो इसको चेंज कर सकते हैं। मेरे पास करीब 5 ईमेल आईडी मैं चलाता हूँ अभी। और ज़्यादा ईमेल आईडी रखने का क्या रीज़न होता है, ऑलमोस्ट सभी यूट्यूबर जानते होंगे। इसमें देखिए किसको मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है, यहाँ पे आते हैं सब्सक्रिप्शन में, ये देखिए यहाँ पे स्प्रेडिंग ज्ञान, ये जो है इसको मैंने सब्सक्राइब किया, मैंने खुद का चैनल सब्सक्राइब किया है, मनोज दे को संभवतः जानते ही होंगे, धनबाद से रिलेट करते हैं। और उनके साथ में है डांसर सनातन, इन लोग आसपास में ही है इसीलिए मैंने इनका चैनल सब्सक्राइब किया है। इसके अलावा स्टडी से रिलेटेड जितने और चैनल हैं, तो कई सारे स्टडी से रिलेटेड हैं, ये सोनू कुमारी, ये मैथमेटिक्स इट हो गया, और ये इस तरह के चैनल आप देख सकते हैं, ये स्टडी से रिलेटेड है, वैसे चैनल मैंने सब्सक्राइब किए हैं। यहाँ पे इतने सारे चैनल हो गए हैं, कुछ एक और मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से यहाँ पे एक आईडी और है, यहाँ से ये देखिए, इसमें ज़्यादा तो नहीं है लेकिन मेरा चैनल है और कुछ स्कूल का है। और यहाँ पे रामदेव बाबा का भी चैनल मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो उनका भी अच्छा वीडियो आता है, योग गुरु हैं वो, मेरे चैनल का ये आ रहा है वीडियो। तो इस तरह से देख सकते हैं कि मैंने कितने चैनल खुद सब्सक्राइब किए हुए हैं और मैं खुद एक यूट्यूबर बनने का प्रयास कर रहा हूं अभी। इस तरह से अगर आप देखते हैं तो एक यूट्यूबर कई सारे चैनल सब्सक्राइब करते हैं, मतलब कई चैनल के वो सब्सक्राइबर भी होते हैं, तो मैं भी कई सारे चैनल का सब्सक्राइबर हूं। फिर से मैं अपने यूट्यूब आईडी पे बैक आ जाता हूं, यहां पे देखिए स्टडी विद दुलार, और ये 914 सब्सक्राइबर देख रहे हैं, सब्सक्राइबर मैंने ऑन रखा है। तो यहाँ पर 1K सब्सक्राइबर होने में कुछ बाकी है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी हमारे चैनल में आते हैं तो वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको 1K से पार लेके जाएं। मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकूं। थैंक यू। इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा।
फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा और कुछ बतला देता हूँ कि एक यूट्यूबर सब्सक्राइबर के बीच से ही, मतलब वो सब्सक्राइबर ही होता है, सब्सक्राइबर ही यूट्यूबर बनता है। तो फिर सब्सक्राइबर कैसे बनता है, सब्सक्राइबर कौन बनता है? सब्सक्राइबर वही बनता है जो यूट्यूब वीडियो में या यूट्यूब से किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो जो है किसी सब्जेक्ट पे वैसा वो इंटरेस्ट रखता है, इसीलिए वो यूट्यूब पे आता है और यूट्यूब पे कई वीडियो कई चैनल को सब्सक्राइब कर लेता है। फिर कई सारे वीडियो को देखते 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 काफ़ी सारा थोड़ा उसमें समय देता है और देखते देखते उसके अंदर क्या होता है, विश्वास आ जाता है, एक फेथ आ जाता है कि मैं भी वीडियो बना सकता हूँ, और वो भी बनाना शुरू कर देता है। और वीडियो जब बनाता है और उसको जब कुछ रिस्पॉन्स मिलता है तो फिर वो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो फिर वो उस पर काफ़ी सारा समय देता है, मेहनत करता है और एक सफल यूट्यूबर बनता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि सब इसमें जितने भी सब्सक्राइबर हैं, क्या वो सारे यूट्यूबर तो बन नहीं सकते, वो नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता भी नहीं है। लेकिन कुछ होता है इसमें से जो ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है, जो ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है वही लोग सब्सक्राइबर से कन्वर्ट हो जाते हैं और यूट्यूबर बन जाते हैं। तो जितने भी यूट्यूबर अब तो देखें, अभी जितने भी यूट्यूबर होते हैं वो कई चैनल के सब्सक्राइबर भी होते हैं। अभी तो मैंने आपको अपने चैनल में दिखा दिया, कई सारे लोग हैं, कई चैनल को मैंने सब्सक्राइब खुद किया हुआ है। तो इसी तरह से एक यूट्यूबर सब्सक्राइबर से पैदा होता है। तो आज आप सब्सक्राइबर हैं तो आप में से, आपके बीच में से कई यूट्यूबर पैदा होंगे। ऐसा होता है बतलाएं जैसे कि वो काफ़ी सारे वीडियो देखने के बाद उसके अंदर विश्वास आ जाता है, और जब विश्वास आता है तो फिर वो बनाना शुरू करता है। इसमें से कई लोग सक्सेस होते हैं और कई लोग अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। इसके पीछे कारण क्या होता है, तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यूट्यूबर बन जाइए, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बतला रहा हूँ, आप बात को ध्यान से सुनिए। तो सक्सेस कौन होते हैं, सक्सेस वही होते हैं जिसके पास एक अच्छा नॉलेज होता है, एक गुड नॉलेज होता है। कहते हैं ना कि आज के डेट में ही नहीं, पहले से ही लोग क्या है, लोग पैसे के पीछे भागते हैं। ये बिल्कुल सच्चाई है, लोग पैसे के पीछे भागते हैं। आप किसी को भी देख लीजिए, पैसे के पीछे भागते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं, काफ़ी सारे लोग जानते हैं कि पैसे के पीछे भागना नहीं है। पैसे के पीछे अगर आप भागते रहोगे, लाइफ बीत जाएगी, पैसा पकड़ में आने वाला नहीं है। तो फिर आपको क्या करना है, आपको नॉलेज के पीछे भागना है। नॉलेज के पीछे भागिए, पैसा आपके पीछे भागेगा। पैसे के पीछे भागना नहीं है, पैसे को अपने पीछे भगाना है। इसके लिए क्या करना होगा, नॉलेज के पीछे जाना होगा। नॉलेज के पीछे भागिए, पैसा आपके पीछे। और इस तरह से लोग सक्सेसफुल होते हैं। तो अभी आप स्टूडेंट हैं, हो सकता है अभी कई सारे स्टूडेंट हैं, मैंने देखा है, मेरा भी स्टूडेंट ऐसा है कि उसके अंदर इतना ज़्यादा उत्साह, इतना ज़्यादा वो उत्सुक हो गया है कि अभी बनाने के लिए वो मतलब बनाने का प्रयास कर रहा है, बना रहा है। लेकिन मैंने उसे समझाया कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको भी मैं वही चीज़ बता रहा हूँ कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के दौरान में आप पहले पढ़ाई अपनी कंप्लीट कीजिए। क्यों, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में जाइएगा, मैं यूट्यूब की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी क्षेत्र में जाइएगा, आपके पास जितना नॉलेज होगा, जितना ज़्यादा नॉलेज होगा, आप उस क्षेत्र में उतना ज़्यादा ऊंचाई तक जाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले क्या जरूरी है, नॉलेज गेन करना। नॉलेज पहले गेन कीजिए, फिर यूट्यूब हो या कोई भी दूसरा क्षेत्र हो, आप वहाँ पर जरूर सक्सेसफुल रहेंगे। तो इस वीडियो में मैं यही बतलाना चाह रहा था कि एक सब्सक्राइबर का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा फायदा यही है कि हो सकता है कि आने वाले समय में वो एक सफल यूट्यूबर बन जाए। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही बात करूंगा, और इसी तरह का कोई एक अच्छा टॉपिक लेकर मैं नेक्स्ट संडे को मैं आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।